व्हाट इज़ अप पोको फैंस, कैसे हो आप सब। फाइनली पोको X2 मेरे पास आ चुका है, ये पिंक कलर। वैसे मैं ब्लू कलर लेने का ट्राई किया था लेकिन पिंक कलर मिला कोई नहीं भाई, कुछ भी मिल तो गया कम से कम भाई वो भी नहीं मिलता है। तो मैं आपके सुनने बताने वाला हूँ कैसे आप पोको X2 पे वाईफाई कॉलिंग को इनेबल कर सकते हो और कैसे आप वाईफाई कॉलिंग करके किसी को भी कॉल कर सकते हो। तो वो मैं आपको सारा कुछ लाइव बताने वाला आपके सामने में, तो वीडियो को ब्लास्ट तक देखते जाइए और कैसे करना एक चीज़ मिस मत करना। तो काफ़ी आसान चीज़ है इसको इनेबल करना। सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है वो ये कि आप कोई ना कोई सिम कार्ड इंसर्ट करो इसमें, ठीक है। पहले सिम कार्ड इंसर्ट होना चाहिए, वो सिम कार्ड स्पेशली जियो का हो या एयरटेल का होना चाहिए, ठीक है। जियो या एयरटेल का ही सिम होना चाहिए। जब सिम कार्ड इंसर्ट कर लो तो अब यहाँ पे ना वाईफाई से कनेक्ट करो अपने फ़ोन को, पोको X2 को। चाहे कोई भी वाईफाई हॉटस्पॉट ही क्यों ना हो या कोई भी रेलवे का वाईफाई, वाईफाई राउटर का वाईफाई, कोई भी वाईफाई हो बस उससे आप कनेक्ट करो। मैं अपने आप फ़ोन से इसी फ़ोन का हॉटस्पॉट से कनेक्ट करता हूँ, वाईफाई वाला इनेबल किया और यहाँ पर ये जो है यहाँ से कनेक्ट हो। जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो इसके बाद क्या करना, अगर आपको कनेक्ट हो गया और ऊपर में सिंबल आपको मिल जाएगा वाईफाई कॉलिंग का तो ठीक है। अगर सिंबल नहीं मिला ना तो आपको सेटिंग में जाकर इनेबल करना पड़ेगा इसको। कैसे करना है, आप सेटिंग वाले ऑप्शन में जाओ, ठीक है। और यहाँ पे आपको जाना है सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है जियो 4G पे। जब नीचे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा मेक कॉल्स यूजिंग वाईफाई, ठीक है, दिख रहा आपको, बस इसको आप क्लिक कर दो। जिससे आप इसको क्लिक करोगे ऊपर में आपको वाईफाई कॉलिंग का सिंबल यहाँ पे अभी आ जाएगा। मैंने क्लिक कर दिया, अभी आपको तुरंत वाईफाई कॉलिंग का जो सिंबल है ये अभी आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिससे यहाँ मिल जाएगा फिर आप वाईफाई कॉलिंग कर सकते हो। मैं थोड़ा वेट करता हूँ, अभी तक क्यों नहीं आया भाई। ये हो गया, हाँ दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर में आप वाईफाई कॉलिंग का जो सिंबल है ये वाली सिंबल आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि हम आपको एक्स्ट्रा में वाईफाई कॉलिंग के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो कैसे करना है मैं आपको लाइव कॉलिंग करके दिखलाता हूँ। तो कॉल करेंगे भाई जियो कस्टमर केयर को, ऐसा किया मैं डायल पैड में और 198 पे किया कॉल। जैसे मैं यहाँ पे कॉल पे क्लिक करूँगा ये अपने आप वाईफाई कॉलिंग पे शिफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग है, यहाँ पे आपको सिंबल भी दिख रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये होगा जब भी आप वाईफाई से कनेक्ट करोगे ना तो जो कॉलिंग होगा आपको वाईफाई कॉलिंग के ही थ्रू होगा, आपको सिम कार्ड नेटवर्क यूज़ नहीं किया जाएगा। अदरवाइज जब भी आप वाईफाई कॉलिंग से, जब भी आप वाईफाई से आप कनेक्ट रहोगे तो ये अपने आप वाईफाई कॉलिंग ही सपोर्ट करेगा, ठीक है। आपको कोई सिम कार्ड का यहाँ पे सिम कार्ड का नेटवर्क यूज़ नहीं करेगा, ये बहुत अच्छा चीज़ है। अब मैंने बता दिया आपको कि वाईफाई से आप कनेक्ट होते ही आपको यहाँ पे सिंबल दी जाएगा वाईफाई कॉलिंग का। अगर सिंबल नहीं दिखे तो आपको क्या करना है, आपको बस सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको वहाँ से जियो 4G पे क्लिक करके यहाँ से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क गया, जियो 4G पे क्लिक किया, यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन है मेक कॉल्स यूजिंग वाईफाई, बस इस पर क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे आप वाईफाई कॉलिंग इनेबल हो। इस तरह वाईफाई कॉलिंग इनेबल कर सकते हो और वाईफाई कॉलिंग कर सकते हो पोको X2 में। मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, बहुत सारे वीडियो बनाने। प्रॉब्लम जो भी डॉट्स आपको पोको X2 रिगार्डिंग कमेंट मुझे बता देना, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा, सारा हेल्प करने वाला हूँ। पोको X2 अपने पास आ गया है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा मुझसे पूछना, मैं 100% उसका हेल्प जरूर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी आपको फायदा होगा अगर आप पोको X2 लेने वाले हो। तो अगर आपने पोको X2 नहीं लिया, लेने के सोच रहे हो तो कैसे परचेस करना फ्लैश सेल में, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जैसे मैंने परचेस किया वैसे आप भी परचेस कर सकते हो। तो वो वीडियो मैं आई बटन में डाल देता हूँ, आई बटन में, तो वहाँ से आप देख लेना और काफ़ी अच्छा चीज़ है भाई, काफ़ी अच्छा, वो जरूर देख लेना। तो बस इस सुनिए, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।